भारत माता कॉलेज का एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण झालावाड़ जिले के गागरौन दुर्ग के में पहुंचा और वहां पर बच्चों ने आहू और कालीसिंध नदियों के तट पर स्थित शैक्षिक स्थानों का भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान ही सभी लोग मिठे शाह की दरगाह पर पहुँचे। मिठे शाह की दरगाह जो है, ये मिठे शाह जो हैं इनको इनका यह उपनाम है, ये इनका असली नाम जो है वो ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती है। ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती जो है वो जैसी खींची जो यहाँ के शासक थे उनके समय में यहाँ पर आए थे और गागरौन दुर्ग में ही रहे और इनकी यहाँ पर एक विशाल दरगाह है। वे आज मिठे साहब के नाम से पूरे लोक में जाने जाते हैं। तो आइए मिठे साहब के बारे में जानते हैं, यहाँ के जो देखरेख करते हैं वो हमें बताएंगे मिठे साहब के बारे में। उपनाम है महावली मिठे साहब। मिठे साहब ओ महावली, महावली फारसी में महाबली भी कहते हैं, महावली कहते हैं, फारसी शब्द है ये और इसके मायने ये हैं कि बलाओं को दूर करने वाले। आप कौन हैं? बलाओं को दूर करने वाले। तो ये लकब है आपका महाबली, महावली भी कहते हैं, महाबली भी कहते हैं। और असली नाम है आपका हजरत ख्वाजा शेख हमीदुद्दीन चिश्ती खुरासानी रहमतुल्लाह। आप अरब, जहाँ सऊदी अरब है उस क्षेत्र में खुरासान इलाका है, वहाँ के से आप तशरीफ लाए थे। आप सूफी संत थे, आपके साथ में जो आपके अनुयायी चलते थे, तो सिर्फ खालिस सच्चाई का पैगाम देना और नमाज पढ़ना और मालिक का नाम लेना आपका खास इबादत थी। और जो लोग परेशान शुदा होते थे बहुत ही ज़्यादा, तो आप खुदा से दुआ करके उसकी परेशानी भी दूर करते। आप हिंदुस्तान में आपके कई जगह, जैसे आपने जहाँ कयाम फरमाया, या सपोज मानिए कि एक नाइट जहाँ भी रुके या एक घंटे रुके, तो उस जगह पे एक हुजरे में आप बंद हो जाते थे और फिर वो हुजरा खोलते थे तो फिर फूल के ढेर दिखते, तो वहाँ भी आपकी दरगाह बनाई। ऐसे पूरे वर्ल्ड में 340 जगह आपकी दरगाह बनी है और हर जगह पीर मिठा के नाम से, यहाँ यही नाम चलता पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। आपने सन 1500 में गुरु नानक जी से भी आपकी बातचीत हुई। तो आप यहाँ जब तशरीफ़ लाए तो अजमेर शरीफ रहे, अजमेर शरीफ में 20 साल ख्वाजा साहब के दरबार में आपने मश्क से पानी भरा वजू के लिए। जैसे अभी मैं हाथ मुँह धो रहा था, मतलब इस्लाम में सबसे प्रायरिटी ये है कि अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे या कहीं पाक जगह जाएंगे तो पहले वजू करेंगे। उल्टी करना, आँखों में पानी डालना, ये करना, ये टकने टकने तक पेड़ धोना, तब जाके इंट्री होगी। तो आपने उन लोगों के लिए मश्क से पानी भरा 20 साल तक, कहाँ पर? अजमेर। वहाँ से फिर आपको हुक्म हुआ कि आप अपना मुकाम गागरौन शरीफ में करें। तो आपने यहाँ काफ़ी तपस्याएँ करी, इबादत करी, जंगलों में जाकर इबादत करी और यहाँ पर यह अपना आखिरी मुकाम नहीं कर सकता। तो खास मज़ार आपका यहाँ है, पूरे हिंदुस्तान में आप चीज़ हैं, जम्मू में पीर मिठा के नाम से मशहूर हैं, आपके अलोट में है, बॉम्बे में है, गोवा में है, जहाँ जहाँ आपने कयाम किया था वहाँ पर, गुजरात में एक रेलवे स्टेशन का नाम ही मिठेपुर है और आपके शामगढ़ में है, तो हर जगह गोवा में है, जहाँ जहाँ आपने कयाम किया था वहाँ पर, गुजरात में एक रेलवे स्टेशन का नाम ही मिठेपुर है और आपके शामगढ़ में है, तो हर जगह आपने जहाँ कैंप किया था, सहारनपुर में, कोई सहारनपुर गया? सहारनपुर में पांडे रोड पे है पीर मिठा के नाम से, मिठे पीर के नाम से, हर जगह आप मिठे पीर ही। अच्छा, मिठे नाम कैसे उपनाम लगा कि एक बार एक शहर में आपने कायम किया था, इन्हें वहाँ ठहरे थे तो लोगों की मुरादें पूरी करने लगे, तो बहुत सारे लोग आए तो मिठाई का नजराना पेश किया, मिठाई उनको प्रेम से भेंट करी, तो मिठाइयों में ढेर लगता है। तो आपके गुरु आपसे मिलने आज जो देखा तो मिठाई के ढेर में आप दिखे नहीं, तो आपने आपके मुंह से निकला वाह मिठे, तो अपने गुरु के नाम, गुरु ने जैसे ही कहा कि वाह मिठे, तो आपने वो अपना उपनाम मिठे ही रखा। तो आप बहुत इबादत गुजार, गरीब गुरबे लाचारों के लिए हर पल में कोई मजबूर आ जाता था, कोई अपनी
आवश्यकता महसूस करता था तो आप खुदा से प्रार्थना करके उसकी हाजतों को पूरी करवा देते हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूरी करवा देते हैं। अब ये जो सूफी मामला है इस्लाम में, ये सूफी मामले में जात पात धर्म पंथ का कोई भेद नहीं रहता है। सिर्फ एक बंदा खुदा का होता है, उसको बंदे के बतौर माना जाता है। अब वो उसकी इबादत आराधना के कई तरीके हैं, लेकिन इस दर पे आने वाला खालिस बंदा क्या होता है, इसलिए उसको अंदर भी इजाज़त दे दी जाती है और किसी किस्म के कोई बंदिश नहीं है। तो आप मानवतावादी हैं, पूरे विश्व में आपने जो है मानवता का ही झंडा लहराया और जहाँ भी गए आप मानव कल्याण किया। इस क्षेत्र में आपको ऐसे ऐसे पक्षी मिलेंगे कि जो दूसरी जगह पक्षी नहीं मिलेंगे, ऐसी ऐसी चिड़ियाएँ मिलेगी कि आप बता नहीं सकते। कि इससे ये प्रतीत होता है कि इंसान तो इंसान, पशु पक्षी जीव जंतुओं को भी आपने अभिदान दे रखा है। अब ये इमली का झाड़ देखिए आप, इसका पूरा झुकाव आपके इधर है, पूरा झुकाव इधर है, उस तरह भी इसकी पूरा ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी हुजूर को सलाम अर्ज कर रहा है झुक के। तो प्रकृति भी आप पर निछावर है। तो यहाँ आने वाले सभी धर्म के लोग आते हैं, सबकी मुरादें पूरी होती है। ये महफिल खाने में गुजर समाज के, बंजारा समाज के, उनके संतानें जिनके नहीं होती उनके संतानें हो जाती, तो यहाँ पर बाल उतारते हैं, बहुत सारे यहाँ खाना खिलाना सब प्रोग्राम करते, किसी प्रकार की यहाँ कोई बंदिश नहीं है। तो आप महान सूफी संतों में, भारत के महान सूफी संतों में हुजूर पीर मिट्टी होता है कि इंसान तो इंसान, पशु पक्षी जीव जंतुओं को भी आपने अभिदान दे रखा है। अब ये इमली का झाड़ देखिए आप, इसका पूरा झुकाव आपके इधर है, पूरा झुकाव इधर है, उस तरह भी इसकी पूरा ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भी हुजूर को सलाम अर्ज कर रहा है झुक के। तो प्रकृति भी आप पर निछावर है। तो यहाँ आने वाले सभी धर्म के लोग आते हैं, सबकी मुरादें पूरी होती है। ये महफिल खाने में गुजर समाज के, बंजारा समाज के, उनके संतानें जिनके नहीं होती उनके संतानें हो जाती, तो यहाँ पर बाल उतारते हैं, बहुत सारे यहाँ खाना खिलाना सब प्रोग्राम करते, किसी प्रकार की यहाँ कोई बंदिश नहीं है। तो आप महान सूफी संतों में, भारत के महान सूफी संतों में हुजूर पीर मिठे साहब की गिनती होती है, बस है ना। जी जी जी, ये सारे बच्चे जो हैं मास्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। अच्छा, बीएड कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, ये पीटी गवर्नमेंट कराती है ना, तो हमारे कॉलेज को ये अच्छा, बच्चे अलाट होते हैं। तो बाद में ये शिक्षक बनेंगे? हाँ, ये बाद में शिक्षक बनेंगे, और मैं उत्तर प्रदेश से कानपुर से। अरे वाह वाह। और मैंने आपका जितने भी सिलसिले हैं जी, आपके 14 सिलसिले हैं जितने, अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल उन्होंने 14 सिलसिले बनाए, इसमें सूफी सिलसिला भी है। सूफी है, सुफर सुरा करती है, सूफी सिलसिलों में 14 आते हैं। नहीं नहीं सर, सिलसिले भी लगाते हैं। या अबुल उलाई जो है आपका आगरा में? हाँ, तो नहीं नहीं सर, ऐसा है, अबुल फजल ने अपनी आईने एक बड़ी पुस्तक लिखी, उसमें उसने 14 सूफी सिलसिले बताए कि इस्लाम में 14 सूफी सिलसिले, उनमें से एक सूफी सिलसिला है सूरावर्दी है, नक्शबंदी है, चिश्तिया कादरिया है, कलंदरिया है, चिश्तिया कादरिया नक्शबंदी मोजद्दी और सोहरावर्दी, हाँ सोहरावर्दी, कलंदरिया कलंदरिया, और ये ऐसे करके 14 सिलसिले हैं।